अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सनोबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लवली एनिमल विद सनोबर। आज मैंने ये जोड़े अलग अलग किए हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी मादा जो है वो बीमार हो गई, चेक करना बहुत लाजमी होता है। तो आप देख रहे हैं जरा मैंने ये बनाया है और सबसे मेन दुख की बात यह है कि जो ये बच्चा है ये लंगड़ा है। ये लंगड़ा कैसे हुआ मुझे खुद नहीं पता। जब मैंने निकाला तो इसकी टांगें टूटी हुई थी। आप देख रहे हैं इसकी सामने वाली टांग जो रख के बैठा है ना बेचारा, और बहुत कमज़ोर था। मैंने इसके साथ रख दिया तो ये खाना पीना ताकि डरे नहीं। तो बेचारा चल नहीं सकता। ये अब थोड़ा थोड़ा ये चलना स्टार्ट हुआ है हल्का हल्का। इसकी ये वाली टांग टूटी हुई है, ये वाली और गलत जुड़ गई। अब ये टूटी कैसे समझ में नहीं आ रहा होगा। ये पहला वाकया है मेरी ज़िंदगी का। ये सामने आ गए, ये फ़ौरन आ जाते हैं। ये इसको उनको वीडियो बनाने का बड़ा शौक है, ये नहीं डरते किसी से भी। ये मेरे हैंड टाइम है और ये मैंने अभी जोड़े बनाए हैं, देखिए इंशाल्लाह जोड़े बन जाएंगे। तो मैं कॉकटेल के जोड़े आपको दिखा रही हूँ अपने। एक जोड़ा मैंने ये बनाया है, ये हरे तोतों के खाने में मैंने डाल दिया है क्योंकि हरे तोते जो हैं वो अंडे बच्चे सही नहीं कर रहे थे। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा हौसला बढ़ाइएगा। आप मिनी जू वीलॉग ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छा मैंने बनाया है। और मिनी जू आप देखेंगे गाँव का बना हुआ है और आपको बहुत इंजॉय करेंगे आप इंशाल्लाह। आपको जो नए मैंने जोड़े बनाए हैं ये वाइट में इनो लेकिन रेड आइस नहीं है, और इसके बराबर में भी इनो है, इनो का निकला हुआ बच्चा है वो। ये मादा है और ये नर है, अभी सीटियाँ मार रहा था। अभी मेरे को दरमियानी कुंडली मिली हैं, कुंडलियाँ भी नहीं मिल रही हैं क्योंकि है ना कॉकटेल की कुंडलियाँ दस्तियाब नहीं हैं। इस वजह से मुझे बड़ी परेशानी हो रही है। जितनी कुंडलियाँ थी मैंने ले ली, कॉकटेल की कुंडलियाँ अब मिल नहीं रही हैं और हमारे यहाँ ऐसे डब्बे भी नहीं मिलते। ये डब्बे मिलते हैं तो ये भी इस कदर के क्या कहते हैं नाजुक होते हैं कि तोते खुद ही खा लेते हैं। मैंने देखे बैंडेज की हुई है इसके ऊपर में, जितने की कुंडली है उतने का डब्बा है। 350 की कुंडली आती है, आपको मैं दिखाती हूँ, और 350 का ही ये डब्बा है। ये आप देखेंगे कुंडली, ये 350 की आती है और ये नया जोड़ा है। अब इसने अंडे नहीं दिए मेरे ख्याल में। वो जो अंदर है वो नर है, ऊपर जो बैठी है ये मादा है। ये अंडे देके ऊपर आ जाती हैं, तुम जानो तुम्हारा काम। अंडे बेचारे नर सहते हैं और ये भी नया जोड़ा है। ये मादा अंडे देके बाहर बैठी हुई है, नर इसके अंदर है। पता नहीं नज़र आएगा नहीं आएगा, उसको छेड़ना मुश्किल है। ये भी मैंने नया जोड़ा बनाया है और ये भी कुंडली पकड़ रहा है माशाल्लाह से।
इनको खाना मैंने दे दिया है तो खा पी के अब ये लोग जो है ना खामोश है, वरना ये जीना हराम कर देते हैं। ये तीन जोड़े मेरे नए हैं, ये पुराना निकम्मा जोड़ा है, चार चार बच्चे निकालता है लेकिन हिफाजत नहीं करता। नर भी चेंज कर दिया लेकिन ये मादा मेरे ख्याल में अब इसको मैं नीचे उतारूंगी, इसको दूसरा ना कुल्ली दूंगी ताकि मैं इस पर नज़र रख सकूँ। इंशाल्लाह कल आके मैं इसको ना निकाल के दूसरी कुल्ली दूंगी। ये मेरा नया जोड़ा है बिल्कुल, और इसकी मादा भी अंदर बैठी हुई है। लाइट गई हुई, कमरे में अंधेरा बहुत है, तो ये आप देख रहे हैं ये बच्चे बड़े हो गए हैं माशाल्लाह से, तो अब इनको दो तीन दिन में निकालूंगी। और हमारी ये मादा अंडे देने के चक्कर में है, ये कुंडली भी साफ़ करके इसमें नई घास डालूंगी तो ताकि ये अंडे दें तो ये गंदगी ना हो इसमें। इन चीज़ों का खास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। कल भी मैं इंशाल्लाह कॉकटेल पे ही बनाऊंगी, इन्होंने अंडे दिए हुए हैं, मेरे ख्याल में बच्चे निकलने वाले हैं। जब बच्चे निकलने वाले होते हैं तो मम्मा पापा दोनों अंदर घुसे हुए होते हैं, तो इसका मतलब है बच्चे निकले हुए हैं या निकलने वाले हैं। ये आप देख रहे होंगे ये भी नया जोड़ा है, पहली दफ़ा ब्रीड की है इसमें, और एक बच्चा निकाला है। अब मैं कल आपको और ब्रीड दिखाऊंगी इंशाल्लाह। इसके साथ ही दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।